हेलो एवरीवन, आज है संडे 20 नवंबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे टेक महिंद्रा लिमिटेड के शेयर के बारे में। टेक महिंद्रा एक दिग्गज आईटी कंपनी है। हाल ही में कंपनी अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ आई और कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड भी दिया। शेयर में जरूर पिछले एक महीने में तेजी देखने को मिल रही है, पर पिछले एक साल की बात की जाए तो शेयर में करीब करीब 31% का डिस्काउंट है। ऐसे में क्या किया जा सकता है टेक महिंद्रा लिमिटेड के शेयर में? क्या है कंपनी के फंडामेंटल्स? ये शेयर किस प्राइस टारगेट तक जा सकता है? सारी बातें बताऊंगा डिटेल में, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। टेक महिंद्रा की अगर बात की जाए तो टेक महिंद्रा एक दिग्गज आईटी कंपनी है और कंपनी काफी सारे मॉडर्न आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। कंपनी SAP में है, कंपनी डेटा एनालिटिक्स में है, कंपनी नेटवर्क सर्विसेज में है, कंपनी ओरेकल में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, डिजिटल सप्लाई चेन में है, टेस्टिंग सर्विसेज में है, साइबर सिक्योरिटी में है। तो सारे मॉडर्न आईटी सर्विसेज पे ये कंपनी काम करती है और इन सर्विसेज का डिमांड आज भी है और आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। तो एक दिग्गज आईटी कंपनी है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो कंपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस को कैटर करती है, एनर्जी और यूटिलिटीज को, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट को, प्राइवेट इक्विटी को, मीडिया और एंटरटेनमेंट को, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज को, हाईटेक को, प्रोफेशनल सर्विसेज को, मैन्युफैक्चरिंग को, रिटेल एंड कंज्यूमर गुड्स को, ऑयल एंड गैस को। तो एक वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री को कैटर करती है और कंपनी के पास एक वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न आईटी सर्विसेज है। चाहे SAP की बात कीजिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए, या साइबर सिक्योरिटी की बात कीजिए, ये सारे मॉडर्न आईटी सर्विसेज हैं जिनका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। अगर टेक महिंद्रा की बात की जाए तो मैं कंपनी के फंडामेंटल्स आपको दिखाना चाहूंगा। मार्केट कैप काफी बड़ा है, 1,03,024 करोड़ का मार्केट कैप है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.51% का। तो एक हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो वो 17.73 का है, जबकि इंडस्ट्री पी है 28.40 का। तो शेयर सस्ता नजर आता है अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूँ। डिविडेंड येल्ड है 1.42% का और कंपनी ने हाल ही में एक स्पेशल डिविडेंड दिया है। बुक वैल्यू 275 रुपये के आसपास है। तो कंपनी का मार्केट कैप शानदार है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार है। कंपनी का पी कम है अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं, तो कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे तो अच्छे लगते हैं। अगर मैं टेक महिंद्रा की बात करूं तो टिकर टेप में इस शेयर को लेकर काफी ऊपर के प्राइस फोरकास्ट है। ये शेयर 7.76% से लेकर 78% का अपसाइड दिखा सकता है, मतलब 1143 से लेकर 1891 का प्राइस टारगेट ये शेयर दिखा सकता है। अभी शेयर 1060 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो काफी ऊपर के प्राइस टारगेट्स हैं इस शेयर को लेकर। 78% तक का अपसाइड ये शेयर दिखा सकता है, नीचे में ये शेयर 18% का डाउनसाइड भी दिखा सकता है। तो अपसाइड पोटेंशियल टेक महिंद्रा के शेयर में काफी हाई है और वैसे भी आईटी कंपनीज के शेयर पिछले कुछ महीने में काफी पीटे हैं और इसके पीछे का रीजन है US और यूरोप में जो रिसेशन का माहौल था, इन्फ्लेशन के कारण वहां के बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे थे उसका सीधा असर इंडियन आईटी कंपनीज पे पड़ रहा था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक होने से ग्रोथ स्लो हो जाता है और इंडियन आईटी कंपनीज को बिजनेस US और यूरोप से ही मैक्सिमम मिलता है 70-80%। तो दिग्गज आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। शेयर में एक अपसाइड पोटेंशियल है, शेयर करीब करीब 1891 रुपये तक जा सकता है और ये शेयर अभी सस्ते रेट पे उपलब्ध है। अगर मैं बात करूं तो टिकर टेप में काफी ज्यादा एनालिस्ट ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है। 59% एनालिस्ट मानते हैं कि टेक महिंद्रा का शेयर अभी सस्ता है और इसे खरीदा जा सकता है इस प्राइस पे। अगर मैं बात करूं तो टिकर टेप में सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ग्रीन में है, करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, बेटर रिटर्न देती है FD से और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। तो टेक महिंद्रा को लेकर काफी ऊपर के प्राइस फोरकास्ट निकल के आ रहे हैं अगर मैं टिकर टेप की बात करता हूँ। अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सेप्टेम्बर क्वार्टर में 35.19% की है, FIs की 28.20% की है। FIs ने जरूर 2.23% से अपनी हिस्सेदारी गिराई है, पर अभी भी FIs का बहुत बड़ा होल्डिंग है इस कंपनी में। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, सितंबर क्वार्टर में 12.86% की हिस्सेदारी है म्यूचुअल फंड्स की, और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 9.27% की हिस्सेदारी है। तो हाईलाइट यहाँ पे ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि FIs और म्यूचुअल फंड्स का काफी विश्वास है टेक महिंद्रा के शेयर में और इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अगर मैं बात करूं टेक महिंद्रा की तो म्यूचुअल फंड
फंड्स की 35 स्कीम्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है और 864 FIIs ने इसमें अपना पैसा लगाया है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, जिसकी हिस्सेदारी 25.49% की है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर LIC है, हिस्सेदारी है 5.96% की, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 9.63% की। तो हाईलाइट यहाँ पे दोस्तों ये है कि FIIs और म्यूचुअल फंड्स का अच्छा पार्टिसिपेशन है टेक महिंद्रा के शेयर में, और इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम को चेक करेंगे तो पाएंगे कि डिलीवरी वॉल्यूम काफी हाई है। पिछले 17 नवंबर को डिलीवरी वॉल्यूम था 49.52% का, तो 50% शेयर के आसपास डिलीवरी में जा रहा है। आप देखिए ट्रेलिंग वन मंथ एवरेज है 49.91% का और प्रीवियस वन मंथ एवरेज है 51.35% का, तो आधे से ज़्यादा शेयर्स का डिलीवरी हो रहा है टेक महिंद्रा को। तो ये दिखाता है कि लोग इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शेयर ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। तो शेयर का डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी हाई है और शेयर में FIIs और म्यूचुअल फंड्स का अच्छा पार्टिसिपेशन है। इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कि कंपनी सारे मॉडर्न IT सर्विसेज पे काम करती है, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए, या आप ओरेकल की बात कीजिए, या SAP की बात कीजिए, या SAS की बात कीजिए, सारे मॉडर्न IT सर्विसेज है। कंपनी साइबर सिक्योरिटी में भी है, कंपनी इंटेलिजेंट ऑटोमेशन में भी है, कंपनी टेस्टिंग सर्विसेज में भी है। तो ये सारे मॉडर्न IT सर्विसेज हैं और वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री को कैटर करती है, एक दो इंडस्ट्री को नहीं बल्कि एक वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री को ये कैटर करती है। अगर मैं बात करूं टेक महिंद्रा की, तो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट करके दिखाया है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ज़रूर अपने प्रॉफिट में चूक गई थी, मैं क्वार्टरली नंबर्स आपको दिखाना चाहूँगा। और सितंबर क्वार्टर में जो रेवेन्यू है वो 13,130 करोड़ का है, और ये जो नंबर है ये अच्छा है क्योंकि जून क्वार्टर में 12,708 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और एक साल पहले 10,881 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी अच्छा करते हुए दिखती है सितंबर क्वार्टर में, लेकिन प्रॉफिट के फ्रंट पे कंपनी चूक गई थी इस क्वार्टर में। और प्रॉफिट हुआ था कंपनी को 1285 करोड़ का, और यहाँ पे ये प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे तो अच्छा है क्योंकि इससे पहले क्वार्टर में 1132 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये नंबर कम है क्योंकि एक साल पहले 1339 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट के फ्रंट पे कंपनी ज़रूर सितंबर क्वार्टर में चूक गई थी, पर रेवेन्यू इन लाइन था। अगर मैं ईयरली बेसिस की बात करता हूँ तो कंपनी अच्छा करते हुए दिखती है। अगर 2022 की बात की जाए तो 5,566 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का, और ये ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखता है। कंपनी पिछले कुछ सालों में सबसे अच्छा प्रॉफिट लेके आई है 2022 में, तो कंपनी का प्रॉफिट 2022 में अच्छा था और कंपनी का रेवेन्यू का ग्राफ भी साल दर साल ऊपर ही जा रहा है। ये ग्राफ अगर आप चेक करें तो ये ऊपर ही जा रहा है, 44,646 करोड़ का रेवेन्यू है 2022 में, जो 37,855 करोड़ के मुकाबले में एक जंप है। तो कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को ईयरली बेसिस पे इंक्रीज कर रही है। सितंबर क्वार्टर में ज़रूर कंपनी प्रॉफिट के फ्रंट पे चूक गई थी। अगर मैं कंपनी के नेटवर्थ की बात करता हूँ तो यहाँ भी ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, 26,886 करोड़ का नेटवर्थ है कंपनी का 2022 में। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा रिजल्ट कर रही है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को, अपने रेवेन्यू को, अपने नेटवर्थ को ईयरली बेसिस पे इंक्रीज कर रही है। सितंबर क्वार्टर में ज़रूर प्रॉफिट के फ्रंट पे कंपनी चूक गई थी, पर एक दिग्गज कंपनी है और काफ़ी सस्ते रेट्स पे मिल रही है। जिस तरह से इस शेयर में एक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, 1800 रुपये से ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था और वहाँ से ये शेयर गिर के 943-944 रुपये तक गया और अभी 1061 पे ट्रेड कर रहा है। और एक अच्छा मौका है एक दिग्गज कंपनी को एक्यूमुलेट करने का। टेक महिंद्रा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इंडियन IT कंपनीज दुनिया के टॉप IT कंपनीज में आती हैं, इनका डील पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं बात करूं तो IT एक ग्रोइंग डोमेन है और आजकल की दुनिया में IT एक एसेंशियल और क्रिटिकल पार्ट है, और जिस तरह की सर्विसेज ये कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं, चाहे साइबर सिक्योरिटीज की बात कीजिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए या SAP की बात कीजिए, ये सारे मॉडर्न IT सर्विसेज हैं जिनका डिमांड आज भी है और आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। तो जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है टेक महिंद्रा के शेयर में, मुझे लगता है एक अच्छा मौका है ऐसे शेयर्स को एक्युमुलेट करने का। मैंने आपको दिखाया टिकर टेप में इस शेयर को लेकर काफ़ी ऊपर के प्राइस फोरकास्ट हैं। ये शेयर 1891 तक का प्राइस टारगेट दिखा सकता है, मतलब करीब करीब 78% का अपसाइड दिखा सकता है, और
आईटी एज ए सेक्टर पिछले कुछ महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा है और रीजन साफ है। यूएस और यूरोप में जो रिसेशन का माहौल था, जिस तरह से इन्फ्लेशन के कारण और यूक्रेन रशिया वॉर के कारण जिस तरह से पूरी दुनिया में एक रिसेशन का माहौल था, उसका असर इंडियन आईटी कंपनीज पे पड़ा, क्योंकि टेक महिंद्रा और बाकी आईटी कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं उनको 70-80% बिजनेस यूएस और यूरोप से मिलता है। और ऐसे में एक अच्छा मौका बन रहा है टेक महिंद्रा लिमिटेड जैसी कंपनी को एक्युमुलेट करने का। शेयर प्राइस में ऑलरेडी गिरावट देखने को मिल रही है 31% की, ऑल्दो पिछले एक महीने में शेयर में तेजी देखने को मिली है करीब करीब 19 रुपये की, पर पिछले एक साल में शेयर ने अच्छा खासा गिरावट दिखाया है। 1800 रुपये से के ऊपर ट्रेड करने वाला शेयर अभी 1061 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक दिग्गज कंपनी सस्ते रेट्स पे उपलब्ध है और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी कंपनी है एक्युमुलेट करने के लिए। तो मैं टेक महिंद्रा को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा मौका है आईटी सेक्टर के चुनिंदा शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। तो टेक महिंद्रा एक अच्छी कंपनी है, प्रमोटर्स और एफआईआईज की अच्छी हिस्सेदारी है और जिस तरह से कंपनी लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर रही है, जिस तरह से कंपनी अपने रेवेन्यू, प्रॉफिट्स को और अपने नेटवर्थ को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इम्प्रूव कर रही है, टेक महिंद्रा एक अच्छी कंपनी है जिसमें पोजिशन बनाया जा सकता है। तो ये था मेरा टेक महिंद्रा के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।